only players on the ground, even no supporting staff, केवल 11 खिलाड़ी रहेंगे टीम के। और टीम जैसे कि मैंने अभी अभी अनाउंस किया है, दामोदर स्पोर्ट्स क्लब, प्रवास पैंथर्स और सिक्स स्टार सिक्स के बीच होगा बॉल आउट। और इन तीन टीमों में से केवल एक ही टीम जो कि क्वालिफाई होगी, तो अब बिल्कुल मैच से ज़्यादा दबाव प्रेशर बॉल आउट पे रहेगा। सरफराज नवाज का भी तहदिल से स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। एक बेहतरीन खिलाड़ी जो कि गोवा अंडर 23 के लिए खेल चुके हैं, और उनके भाई अब्दुल सलाम भी उनके साथ मौजूद जो कि मुख्तार कादरी के हॉट फेवरेट। तो बॉलर्स के लिए सभी टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट डीएससी, ऑल द बेस्ट प्रवास पैंथर्स, ऑल द बेस्ट सिक्स स्टार सिक्स। तो वामन मयेकर के नेतृत्व में ये देखिए टीमें तैयार हैं बॉल आउट के लिए। निशाना लगाना होगा स्टंप पर, काफी निर्णायक रहेगा ये बॉल आउट। मैच से भी ज्यादा दबाव प्रेशर रहेगा बॉल आउट में, केवल तीन गेंदें डाली जाएंगी गेंदबाज की ओर से और तीन ही गेंदे स्टंप पर लगने अनिवार्य। तो देखना होगा कि कौन वो गेंदबाज है, द बॉलर विद द गोल्डन आर्म, किसके तीन गेंदे लगते हैं स्टंप पर। जिस प्रकार से हमें अभी भी याद है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से बॉल आउट हुआ था, बिल्कुल इंडियन गेंदबाज ने कमाल कर दिखाया, सभी के सभी गेंदे स्टंप पर, जबकि पाकिस्तानी गेंदबाज कभी दाएं कभी बाएं, यानी कि स्टंप से चूकती रही हैं। उस प्रकार से बॉल आउट में इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी क्रिकेट के इतिहास में। तो देखना होगा कि यह साज क्रिएशन द्वारा आयोजित पेंजिम तालेगांव लीग में, जबकि ये तीन टीमों में से कौन सी टीम जाएगी प्लेऑफ में। ऑरेंज जर्सी में है प्रवास पैंथर्स और डीएससी जो कि लाइट ब्लू जर्सी में आप देख सकते हैं, जबकि ग्रे और ब्लैक जर्सी में है सिक्स स्टार्स सिक्स। काफी उत्सुक बेसब्री से सभी दर्शक, जिसे कहते हैं नेल बाइटिंग फिनिश होगी। और फिलहाल सचिन भंगारी गेंदबाजी के लिए तैयार हैं, सिक्स स्टार सिक्स की गेंदबाजी बॉल आउट में। ये देखिए नर्वसनेस साफ दिखाई देता है, मगर कॉन्फिडेंस भी उतना ही सचिन की गेंदबाजी में। अच्छे गेंदबाज हैं, पहली गेंद चूके लक्ष्य से। जिस प्रकार के फुटबॉल में भी पेनल्टी शूटआउट्स होते हैं, उसी प्रकार से क्रिकेट में भी उतना ही मजा आता हुआ, हालांकि पहली गेंद में चूके हैं, जबकि अगस्तीन गेंदबाजी के लिए। अगस्तीन भी चूके जो कि प्रवास पैंथर्स के, तो अब देखना होगा दामोदर स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाज स्वयं कप्तान आनंद दिवजीकर।
हालांकि जानते हैं कि दोनों गेंदबाज ने लक्ष्य से चूका है, टारगेट से चूके हैं, तो मुझे बिल्कुल स्टंप को उखाड़ना होगा। इस इरादे से तैयार। तीनों गेंदबाजों ने चूका है, यानी कि 0-0-0। तो फिर से एक बार पहल होगी, या सिक्स स्टार सिक्स की ओर से नरू को लगा है नरेश असोल्डेकर गेंदबाज, जबकि तीनों गेंदबाजों ने निशाने से गेंद ही चूकी है। तो क्या दिलचस्प मुकाबला होता हुआ, संघर्षों से भरा। नरू तैयार। और मिड स्टंप पर नरू, तालियों की गड़गड़ाहट, सिक्स स्टार सिक्स के खेमे में खुशियों की लहर, क्योंकि नरू ने बिल्कुल उखाड़ दिया है मिडिल स्टंप। अब सचिन भंगारी अब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, जबकि काफी खामोश थे, मगर अब दबाव दूसरे गेंदबाजों पर रहेगा। प्रवास पैंथर्स के गेंदबाज तैयार। चूके तो फिलहाल एक पॉइंट के साथ सिक्स स्टार सिक्स आगे, मगर दामोदर स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाज विनोद विल्सन, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है, काफी सारी उम्मीदें उनसे। ही इज अ मैच विनर। क्या स्टंप उखाड़ गेंदबाजी करेंगे? चूके विनोद विल्सन, तो फिलहाल सिक्स स्टार सिक्स सबसे आगे। तो सिक्स स्टार सिक्स के पॉइंट्स 0-1, प्रवास पैंथर्स 0-0, दामोदर स्पोर्ट्स क्लब 0-0। तो ये रहेगी आखिरी गेंद सिक्स स्टार सिक्स के लिए। गेंदबाज रितेश प्रितेश तैयार। कुछ कान मंत्र सचिन द्वारा प्रितेश को, लक्ष्य को पाना है, मैच को जीतना है। चूके प्रितेश 0-1-0, सिक्स स्टार सिक्स। मौका अब अमय डोंगरेकर के लिए। अब थोड़ी सी उलझनों में ऑफिशियल अंपायर्स भी, अगर क्या एक 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 तीनों के पॉइंट होते तो तब क्या, तो शायद एक एक गेंद होगी। जी हाँ, एक एक गेंद होगी। अमय तैयार, प्रवास पैंथर्स। चूके प्रवास पैंथर्स के 0-0-0, जबकि सिक्स स्टार सिक्स के 0-1-0, दामोदर स्पोर्ट्स क्लब के 0-0। और एक मौका पुनाजी बीच चुके, यानी कि सिक्स स्टार सिक्स आ थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुस्कुराहट खुशी में तब्दील होती हुई सचिन भंगारी की, और टफ लक मैं कहूंगा और बैड लक भी कहूंगा आनंद दिवजीकर, उनके साथ प्रवास पैंथर्स को भी। तो जो तीनों टीमों में एक टीम जो एक पॉइंट लेकर प्ले ऑफ में जा चुकी है, वो है सिक्स स्टार सिक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन बाय द ऑफिशियल्स। जिस प्रकार से उन्होंने नियंत्रण लिया है, तीनों ही टीमों के साथ बॉल आउट किया है, बिल्कुल कमाल। और कमाल की ही अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं तीनों ही अंपायर्स, वामन मयेकर जो कि अंपायर्स के पैनल के हेड, उनके साथ शिवचरण दाबोलकर और सजगिरी नाइक। बिल्कुल कमाल की अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में।
SARS Creation presents Penjim Talegaon League supported by Altino Strikers.